आज एक अहम सवाल, सबसे बड़ा सवाल, लगातार 3 बार से कभी 6 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, कभी 7 लाख को मारने की तैयारी और फिर 5 लाख। और आनंद किशोर जी कहते हैं सब कुछ अच्छा, शिक्षा मंत्री को कुछ पता नहीं और नीतीश कुमार जी बिल्कुल अंधा विश्वास इन लगातार शिखंडियों पर, क्यों, कारण क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बच्चे आपके हैं, मरने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? कब तक इन बच्चों को उपहास का कारण बनाइएगा और इनके जीवन के निर्माण के साथ खिलवाड़? आज एक युद्ध था इन्हीं सारे सवालों को लेकर पूरे बिहार में। हम बंद किए हुए थे चारों तरफ रेल चक्का जाम, लेकिन मुझे लगता है कानों पर जू नहीं रेंगने वाला। इसलिए जन अधिकार छात्र परिषद जो लगातार 4 दिनों से हर जिले शहर कुनमे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पुनः उन्होंने निर्णय लिया है 72 घंटे के अंदर ऐसे पदाधिकारी जो लगातार 3-3 पदों पर बैठे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, मैट्रिक का टॉपर विद्यार्थी 1 नंबर 0 ला करके फेल कर दिया जाता है, साथ साथ फिजिक्स के अंक गणित को मैथमेटिक्स पर और मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री पर, और बच्चों सोचने पर मजबूर हो जाता है। मुख्यमंत्री जी जागिए, अन्यथा 72 घंटे के अंदर इंटरमीडिएट काउंसिल के सामने हम और हमारे छात्र भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। मत बनिए शिखंडी आनंद किशोर जी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, खत्म करिए PIL फाइल, हम जरूर करेंगे, CBI इंक्वायरी की मांग करेंगे। साथ साथ जो जो पदाधिकारी लंबे समय से पदों पर बैठे हैं और 3-3 बार इस घटने के पीछे उनका हाथ है, उनकी इंक्वायरी की मांग करें।